कमजोर सेहत के चलते भर्ती न होने पर स्टीवन रॉजर्स को अमरीकी सैन्य इतिहास के ऐसे अनोखे प्रोग्राम के लिए चुना गया जो उसे दुनिया का पहला सुपर सिपाही बनाने वाला था। जंग के लिए तैयार कैप्टन अमेरिका और उनके दल हाउलिंग कमांडोज ने जल्द ही अपनी साख जमा दी। उनका मिशन था नाजियों के बेकाबू विज्ञान विभाग हाइड्रा को खत्म करना। बचपन के पक्के दोस्त बकी बांस और स्टीव रॉजर्स हमेशा साथ रहते, स्कूल का मैदान हो या जंग का। बांस ही एक ऐसे हाउलिंग कमांडो थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। वो बड़ी कड़ाके की सर्दियां थी, बर्फीले तूफान में हमारी बटालियन जर्मन रेखा के उस पार फंसी थी, और स्टीव कैप्टन रॉजर्स लड़ते हुए एक हाइड्रा नाकाबंदी से निकल आए जिसने हमारे मित्र मुल्कों को महीनों से रोक रखा था। उन्होंने हजारों लोगों को बचाया, साथ ही उस आदमी को भी जो आगे चलकर मेरा पति बनने वाला था। मरने के बाद भी स्टीव मेरी जिंदगी बदल रहा था। तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए पेगी। मैं अपनी जिंदगी जी चुकी। अफसोस है कि तुम अपनी जिंदगी नहीं जी पाए। क्या बात है, जहां तक मुझे याद पड़ता है मैं बस सही काम करना चाहता था, पर अब मैं नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या। मैंने सोचा मैं फिर से काम में लग जाऊंगा, आदेशों का पालन करूंगा, सेवा करूंगा, पर अब वो बात नहीं रही। तुम बहुत ड्रामेबाज हो। देखो, तुमने दुनिया को बचाया है और हमने बर्बाद कर दिया। नहीं किया, मैं यहां रुका क्योंकि शील शुरू करने में तुम्हारा भी हाथ था। देखो, दुनिया बदल चुकी है, वो दिन वापस नहीं आएंगे। हम बस कोशिश कर सकते हैं और कभी कभी इसका मतलब है फिर से शुरुआत करना। चहती को कैसे छोड़ देता जिसका डांस का वादा अधूरा रह गया था।